नमस्ते। मेरे साथ आज एक बार फिर से राजीव रंजन सिंह साहब। थोड़ा हम लोग आज एक बहुत पुरानी, जैसे बोलते हैं ना पुरानी पिक्चर की बात, ऐसी पुरानी पिक्चर तो नहीं है, लेकिन उसको देश के जो जो इस समय सरकार है वो चाहती है कि लोग उसको भूल जाएं। नाम है पिक्चर का अडानी, और डायरेक्टेड बाय, एक्टेड बाय, प्रोड्यूस बाय, ये सब उनके दोस्त मित्र हैं, वही एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टिंग हो रही है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं का, खास करके राहुल गांधी का कहना है कि उसमें हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए लोग भी उसके एक्टर डायरेक्टर हैं। राजीव रंजन सिंह साहब ने अभी उसमें कुछ और स्टडी की है और कुछ खुलासे किए हैं। उनकी इन बातों को उन्होंने अभी वायर में भी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो वायर में छपा, फिर उनका एक दो इंटरव्यू भी आए संजय सिंह साहब जो, हाँ फॉर्च्यून इंडिया में, माफ कीजिएगा, अपने ही उसमें फॉर्च्यून इंडिया में इनका एक बड़ा लेख आया। उस लेख को संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, जो इस तरह के उनको उजागर करते रहते हैं, और उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है। और इसकी पूरी संभावना है कि इस अडानी की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति को तो उन्होंने बाहर कर दिया। अब ये जो मॉनसून सेशन आ रहा है, ये अडानी जी, इसमें अडानी जी की बात को जो उठाएगा उसके साथ क्या सलूक होगा, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि अडानी मामला फिर से पूरे जोर शोर से इस मॉनसून सेशन में उठाया जाएगा। मैं एक दो चीजें राजीव जी आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि जो मोटे तौर पे हम लोगों को याद है, भाई पिछले साल एक हिंडनबर्ग साहब एक रिपोर्ट देते हैं, जिस रिपोर्ट के अनुसार अडानी साहब ने कुछ कुछ ऐसे काम किए थे जो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थे, और उसी समय उनका आईपीओ ने उसको, वो एसपीओ या जो भी बोल रहे थे वो भी आया था, जो बाद में विड्रॉ करना पड़ा। और हिंडनबर्ग बिल्कुल स्पष्ट है शुरू के दिन से कि वो शॉर्ट सेलर है और ये उसका काम है, और वो इसी काम को करता है कि लोगों के ठीक रिपोर्ट जानता है और किसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके हिसाब से काम करते हैं। उस पर कुछ दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई थी, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। एक तो उसमें जो बार बार था इनसाइडर ट्रेडिंग की बात थी, कि राउंड ट्रिपिंग की बात थी, कि इन्हीं का पैसा घूम के आ रहा है, इन्हीं का पैसा घूम के आ रहा है, और इसी को राहुल गांधी ने भी सदन में उठाया था कि 20,000 करोड़ किसके हैं, 20,000 करोड़ किसके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे 20,000 करोड़ तो प्रधानमंत्री के हैं, लेकिन वो अपना उनका पॉलिटिकल वो हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी लगातार पूछ रहे थे। दूसरा जो एक सबको एक समझ में आ रहा था कि ये अपनी ही कंपनी बहुत क्लोजली हेल्ड थी, जो पैसा बाहर से लगाती थी वो केवल इन्हीं की कंपनी में लगाती थी। मिनिमम शेयर होल्डिंग की जो एक बात होती है कि शायद 75% या 80% या 90%, कितना जो एक जो भी नॉर्म है वो राजीव जी बताएंगे, उस नॉर्म का वायलेशन तो नहीं हो रहा था। और इन सबके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को बना के सबको लगा कि देखिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उस समय भी हम, मैंने भी कहा था, हमारे चैनल पे भी लोगों ने कहा था कि ये कमेटी सेबी के लिए बन गई है। मतलब किया है काम अडानी जी ने, तो बजाय अडानी जी की जांच करने के वो सेबी के वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में कैसे काम करते हैं, इस पे कमेटी बना दी गई। नामचीन लोगों को रखा गया, लेकिन उन सब नामचीन लोगों का कहीं ना कहीं से रिश्ता मार्केट से है। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म जब है, मैं ये नहीं कहूंगा अडानी जी से, लेकिन ये सारे लोग उसी पे जिंदा है। अगर ये इस तरह का कैपिटलिज्म ना हो तो ये छहों लोग जो उसमें हैं उनको दिक्कत होगी। मैं राजीव जी अभी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि उसमें आ गया कि उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उस रिपोर्ट ने अब भाजपा के नेता कह रहे हैं क्लीन चिट भी दे दी, तो सब कुछ अगर ठीक है तो ये क्या रिपोर्ट आई, अडानी का क्या हुआ मामला, जरा राजीव जी व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, इस पे एक बार जरा अपडेट दे दीजिए। थैंक यू आनंद जी मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए प्रेजेंट स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी स्टैब्लिश किया था, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोला, उस कमेटी ने 3 महीने के अंदर में अपनी रिपोर्ट दे दी। वही 3 महीने के अंदर में सेबी को भी अपना फाइंडिंग्स देना था इन्वेस्टिगेट करके, बट सेबी ने और समय मांगा और उसको और 3 महीने का समय मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि मतलब ये आज की डेट में स्टेटस है जो आपने पहला सवाल पूछा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी स्टैब्लिश किया था वो सेबी के लिए जो फंक्शन जो काम बताए थे और जो कमिटी के लिए बताए थे, ये दोनों अलग अलग थे। सेबी के
लिए ये बोला गया था कि आप ये पता कीजिए कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल 1957 ने 1957 जिसका अर्थ हुआ कि मिनिमम शेयर होल्डिंग का जो नॉर्म है, क्या उसका रूल 19A का वॉयलेशन हुआ है क्या? पहला चीज ये सेबी को बोला था फाइंड आउट करने। दूसरा ये बोला था कि भाई आप ये पता लगाइए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई हुए हैं क्या इस कंपनी के अंदर में, एक ग्रुप के अंदर में, अलग अलग कंपनीज के अंदर में, कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपस में। तीसरा था स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है क्या जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसके अगेंस्ट में जाके। तो ये सेबी को तीन काम दिए गए थे, ये तीनों गहन इन्वेस्टिगेशन के काम थे और जाहिर सी बात है उनको इसमें समय लग रहा है, ठीक है। बट इसी दौरान जो कमिटी स्टैब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक्सपर्ट कमिटी, उनको बोला गया था कि भाई यू प्रोवाइड एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन इंक्लूडिंग द रेलेवेंट कॉजल फैक्टर्स व्हिच हैव लेड टू द वोलेटिलिटी इन द सिक्योरिटी मार्केट। यानी कि स्टॉक मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी आई, अदानी के स्टॉक्स में एकदम आंधी तूफान एकदम आ गया, ऊपर नीचे गया, इसका असेसमेंट करो, पता करो कि भाई ये क्यों हुआ। दूसरा, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए आप कुछ मेजर सजेस्ट करो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप ये पता लगाओ कि भाई सेबी की तरफ से कोई रेगुलेटरी फेलियर हुआ है क्या। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट दी 3 महीने के अंदर में, और साथ में इनको ये भी कहा गया था कि भाई आप जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इसके ऊपर में भी कुछ आप सजेशन दो। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दिया मेरी नजर में, जो मुझे लगता है इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। रिपोर्ट तो अपनी दी इन्होंने, उसमें क्लीन चिट दे दिया सेबी को कि नहीं नहीं नहीं, सेबी से कोई भी, सेबी के उसमें कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है, सेबी ने बराबर अपना काम किया। बट एट द सेम टाइम सेबी की कार्य प्रणाली में 500 खामियां इन्होंने निकाल दी। तो भाई ये तो दोनों विरोधाभास वाली चीज है, एक तरफ आप क्लीन चिट दे रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं सेबी के काम में 50 तरीके की तमाम जो है खामियां हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 महीने बाद ये रिपोर्ट दी। अब ये 3 महीने बाद रिपोर्ट आने के बाद देखिए क्या हुआ है इंटेलिजेंटली, अभी जो है गेम जोन में आ रहा है कि गेम क्या हुआ है, ये कंप्लीटली स्क्रिप्टेड गेम लग रहा है। अब जो है जो पहले स्पॉटलाइट अदानी के ऊपर में था कि अदानी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदानी ने कोई मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का वॉयलेशन किया है क्या, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे आए हैं क्या, बेसिकली ये सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन होना था। ये चीजें तो बैक बर्नर पर चली गई क्योंकि सेबी अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पर क्या चीज लाइमलाइट में आ गई, जो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने लताड़ा है सेबी को हर तरीके से, बट एट द सेम टाइम प्यार से पुचकार के क्लीन चिट भी दे दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हुआ इस कमिटी की रिपोर्ट का, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। दूसरी चीज जो आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, सेबी भी भारत सरकार का अंग है, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी, राइट। तो भारत सरकार की बॉडी जो है इसको कोई क्या डायरेक्शन दे रहा है कि आप भाई इस तरीके से समय पे समय आप मांगते जाओ, केस को आगे बढ़ाते जाओ, ये दिखना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ऐसी नहीं आपको छोड़ दिया, या सेबी वाकई में जो है असक्षम हो रहा है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में, ठीक है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी की, जो एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट आई है, पूरा स्पॉटलाइट अब अदानी से हटके सेबी पे आया है, सेबी की कार्य प्रणालियों पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, सेबी में माधवीपुरी बुच या जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो क्यों नहीं इस गुत्थी को सुलझा पा रहे हैं, तो उनको कटघरे में लाया जा रहा है। मतलब कंप्लीटली अब फोकस हो गया सेबी के ऊपर, जो गलत नहीं है, अच्छी बातें होना चाहिए, पर मूलभूत जो मुद्दा था जहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी वो था अदानी का इन्वेस्टिगेशन, और अदानी के इन्वेस्टिगेशन पे सिर्फ सेबी को छोड़ के बाकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब अपोजिशन पार्टी की आवाज को दबाने के लिए तो वैसे ही काफी लोगों ने रूलिंग पार्टी से बोल दिया कि क्लीन चिट मिल गया है, गोदी मीडिया पहले ही अनाउंस कर चुका है क्लीन चिट मिल गया है। और अभी जो सबसे घातक चीज हुई है जिसके कारण मैंने वो जो अभी आपने वर्णन अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोला था, मैंने आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल बेसिकली यही है कि
कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया है। एक्सपर्ट कमिटी, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमिटी ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी थी उसके ऊपर में, बट एट द सेम टाइम ये उन्होंने प्रेयर दिया है, जो अपना एप्लीकेशन दिया उसमें प्रेयर रहता है, हर पिटीशन या एप्लीकेशन में प्रेयर मेंशन रहती है, राइट। तो उसके अंदर में उन्होंने जो प्रेयर दिया है वो एकदम ओपन एंडेड है। वो प्रेयर क्या दिया इन्होंने कि प्लीज अपना काइंडली गो थ्रू, काइंडली गो थ्रू द एप्लीकेशन मेड बाय सेबी एंड पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। अब ये एप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? प्रेयर एग्जैक्ट वर्ड्स में ये थी, टेक सेबीज व्यू एंड ऑब्जर्वेशन इनटू कंसीडरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट एंड पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। अब एप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब क्या है? इट्स अ वेरी ओपन एंडेड वर्ड, मतलब ये काफी ओपन वर्ड है। ये एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है इसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से जो है ये डिफाइन कर सकता है या इंटरप्रेट कर सकता है। यहां पे सबसे ज्यादा जो बदमाशी बोल ले या बेवकूफी बोल ले, ये सेबी के एंड से हुई है कि सेबी ने इस तरीके का वीक, इस तरीके का लेम एक प्रेयर क्यों दिया। देखिए लॉ के भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि भाई जब आप अपने पिटिशन बनाते हो तो प्रेजेंट अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जो आपकी प्रेयर होती है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए कि मैं इस कोर्ट से ये प्रार्थना करता हूं। तो वो जो प्रार्थना रहती है वो क्लियर मेंशन होनी चाहिए, बट यहां पे कोई प्रार्थना क्लियरली मेंशन ही नहीं है, इट्स एन ओपन एंडेड। अब 14 अगस्त को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि भाई आपका तो प्रेयर जो हमने देखा पढ़ा, आपने इन्वेस्टिगेशन कुछ अभी तक दिया नहीं है, तो हमने एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर दिया, वी आर डिसमिसिंग दिस केस और व्हाटएवर, मुझे नहीं मालूम क्या वो करेंगे, बट ये हो सकता है। तो ये बहुत ही घातक, इन्होंने स्पेसिफिसिटी का फॉलो ना करने के कारण ये बड़े ही गलत एंड पे चला गया। ये बहुत ही, मतलब ये सेबी के लिए भी और इस पूरे मुद्दे के लिए भी ये जो है काफी घातक साबित हो सकता है। राजीव जी, मुझे तो आपकी बात सुन के एक दूसरी तरह की आशंका लग रही है जी। मतलब जैसा आप भी कह रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या ऑर्डर आने जा रहा है, क्योंकि बात तो सारी अडानी के मसले से शुरू हुई थी। अब अडानी जी का तो कहीं हम नाम ही, आप जो सब बताए कि बात सेबी कह रहा है कि कमेटी ने ये रिपोर्ट दी, हालांकि सेबी उसका रिबटल क्यों कर रहा है और क्यों पॉइंट वाइज, हो सकता है अदालत की जरूरत हो। लेकिन जो आपने कहा कि ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है कि पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर? आप पहले कहेंगे ना कि भाई मुझे, मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि देश का कानून कहता है कि आप इनका इन्वेस्टिगेशन मत करिए, या ये आप कुछ तो बताएंगे कि मैं इस वजह से अडानी जी का, अडानी जी बहुत लंबे हैं, वो उनकी हाइट 7 फिट है, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे यहाँ भाई 5 ही फिट का हो सकता है, तो वो कहेगा स्टूल दे दे। कुछ तो आप कहिएगा कि मैं इस कारण आगे नहीं बढ़ सकता हूं, इसलिए वो पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। मतलब अडानी जी की कोई बताइए, लंबे हैं, चौड़े हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये दिक्कत, ये अपना तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि मैं क्यों उनका, वाई आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग अडानी जी, दीज आर दी रीजन, वो कहीं नहीं कह रहे। मैं दो चीजें पूछ रहा हूं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि ये धीरे से ये केस खत्म करने की बात है, इसमें और कुछ नहीं है। दूसरा मुझे एक चीज और बताइए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ऑफशोर फंडिंग का, उसका कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि सारा खेल वही, पैसा किसका है, उसका जिक्र कहीं नहीं है। एक्चुअली ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस होना चाहिए था। मनी लॉन्ड्रिंग का तो कुछ कोई नामो निशानी नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो सेबी को इन्होंने फॉलो करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला है, वो भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल जो है SCRR, जो मिनिमम शेयर होल्डिंग 19A के अंतर्गत बोला है, वो भाई वो क्रिमिनल केस तो कभी लग ही नहीं पाएगा। ये सब तो जो है ये तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो है सब यही फाइंडिंग्स लगा, पर इसके पीछे बड़ी घातक चीजें हैं। उनकी फाइंडिंग कौन करेगा, ये किसके पैसे हैं? जो देखिए इसमें मुद्दा क्या है, आप ये समझिए हुआ क्या है। अदानी की 8-9 लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है,
इस 8-9 लिस्टेड कंपनीज में 13 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, यानी कंपनीज, इन्होंने पैसे डाले हैं। राहुल गांधी जी या कुछ लोगों का कहना है 20,000 करोड़ है, कोई बोल रहा है 45,000 करोड़ है। ओके, अलग अलग फिगर्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अभी तक फिगर्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे क्योंकि कोई पेपर ही नहीं गवर्नमेंट या ईडी ट्रांसपेरेंट वे में सामने रख रही है। तो ये पैसे जो हैं ये 13 कंपनीज ने लगाए, बट इन 13 कंपनीज के पास में कहां से पैसे आए, ये 13 कंपनीज ने कहां से पैसे लेके आए हैं ये, और इन्होंने कैसे, मतलब ये 13 कंपनी जो पैसे लेके आए वो ही अदानी में गया। तो ये जो 13 कंपनी जो पैसे लेके आए हैं ये 42 अलग साइप्रस केमन आइलैंड यहां एस्टैब्लिश दूसरी कंपनीज ने इनमें पैसे डाले। अब सवाल ये कि ये 42 कंपनीज जो हैं इनका मालिक कौन है? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मालिक है, जो उन्होंने वहां पे बोला था, शायद हो सकता है उनके पास कोई जानकारी हो कि ये 42 कंपनीज जो है इसमें नरेंद्र मोदी जी का पैसा लगा है या किसी, मतलब जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, हो सकता है उनको कोई जानकारी दी गई। तो सेबी ने या कोर्ट ने बुला के पूछा क्या अरविंद केजरीवाल जी से या जो भी इस बात को बोल रहे हैं उन लोगों से, ये समझना है। क्योंकि मूल मुद्दा जो है वो ये 42 कंपनीज पे आकर अटक जा रहा है कि ये 42 कंपनीज ने किससे पैसे लेके ये 13 कंपनीज में लगाए और ये 13 कंपनीज ने फिर अदानी में पैसे लगाए। तो ये 42 कंपनीज के पास में पैसा आया कहां से, ये 42 कंपनियों का मालिक कौन है, ये 42 कंपनीज केमन आइलैंड इधर उधर क्यों रजिस्टर है, है ना, और यदि है तो इसके बारे में क्यों नहीं डिस्क्लोजर जो है पूरी तरीके से दिया गया है। तो अभी मुद्दा सेबी यही बोल रहा है कि भाई ये बाहर की कंपनीज हैं तो हमको टाइम लग रहा है इनके बारे में पता लगाने में। पर क्योंकि बात भी जाहिर सी ये है कि सेबी डायरेक्टली तो फाइंड आउट कर नहीं सकता, सेबी ईडी को बोलेगा, ईडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चिट्ठी लिखेगा मॉरिशस या जहां पे भी कंपनी है वहां पे, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को बताएगी, फिर वो लोग जो है रिप्लाई देंगे। तो यानी ये जो पूरा एक चेन है, इस चेन में यदि कोई भी काम नहीं करता तरीके से, चाहे वो सेबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन की कंट्री का हो, या फॉरेन की कंट्री की इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी हो, आप इस चीज के तहत तक पहुंच नहीं पाओगे। पर मेरा सवाल ये कि इंडिया ने क्यों अपने रूल्स इतने लचर बनाए, इंडिया ने क्यों अपने रूल इतने ईजी बनाए हैं इन बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए कि भाई कोई कहीं से किसी का भी पैसा लेके आ रहा है। अभी मुझे क्या मालूम दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा उसमें कि किसी टेररिस्ट का लगा है कि कौन से क्रिमिनल का लगा है, वी डोंट नो कहां से पैसे आए, किसने पैसे लगाए। तो ये जो रूल है इन रूल को स्ट्रेंथन करने की अब बात कर रहे हैं लोग, सेबी अभी लेके आया कुछ दिन पहले रूल, ये पहले क्यों नहीं लेके आए थे, ये डिजास्टर का वेट क्या? जी जी नहीं राजीव जी, एक चीज और है, केवल दाऊद और उसका नहीं है, एक अभी कुछ दिन पहले एक खुलासा हुआ था, वो जो परंजय गुहा ठाकुर था और रवि नायर और आप सब लोगों ने किया था, जहां पे चाइनीज फर्म किस तरह से इन्वॉल्व है अडानी जी के साथ, वो एक खुलासा भी हो रहा था। लेकिन मेरा एक दूसरा प्रश्न है भाई, लोग सब लोग इस समय जो सबसे बड़ा विलेन और जिस देश का दुश्मन शायद पाकिस्तान के बाद नंबर दो है वो हिंडनबर्ग है, तो हिंडनबर्ग दुश्मन है कि हिंडनबर्ग आपका हितैषी है कि उसने एक विसिल ब्लोअर का काम किया, उसने आपको बताया कि भाई ये आपके यहां हो रहा है, तो उसको हम लोग विलेन या उसको हम लोग दुश्मन क्यों मान रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिंडनबर्ग? नहीं दुश्मन, ये तो पीआर एक्सरसाइज है भाई, आपकी पोल खोल दी है। अभी आप देखिए यही अदानी ग्रुप 3075 से लेके 3175 के बीच में अपना एफपीओ लेके आ रहा था और इन्होंने उसको एडवर्टाइज किया था कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का एफपीओ है। ओके, अब ये हिंडनबर्ग और ये किससे पैसे लेता है? मेरे से, आपसे, जनता से, इंडिया के इंस्टीट्यूशन से, एलआईसी से, एसबीआई से, एसबीआई ने अप्लाई कर दिया था। आप देखिए आनंद जी, आज तक 3075 रुपए के प्राइस पे अदानी एंटरप्राइज का शेयर नहीं आया, 2300 रुपए पे अभी चल रहा है, नहीं अभी भी 900 रुपए नीचे, 800-900 रुपए। तो ये हिंडनबर्ग ने इंडिया के शेयर होल्डर्स पे एहसान किया है कि इंडियन के एलआईसी और सेबी को तो थैंक यू लेटर भेजना चाहिए हिंडनबर्ग को कि भाई हम जो 3200 में 3100 में माल खरीदने जा रहे थे आज हमको मार्केट में 2200-2300 रुपए में मिला है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स या जो एक बेरोजगारों की फौज जो है जो कमेंट लिखने बैठ जाती है यूट्यूब के इसके ऊपर में गाली मारते हुए सब
यूट्यूब के जो भी एनालिस्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, भाई इनने समझना चाहिए कि तुमको तो शेयर 2200 में मिल रहा है, अदानी जी तो 3200 में दे रहे थे, आपको 3100 में दे रहे थे, तो आपने तो थैंकफुल होना चाहिए हिंडनबर्ग को। अगर प्राइस मैनिपुलेशन नहीं था आनंद जी, तो आज तक क्यों नहीं अदानी का शेयर 3100-3200 रुपए पे? भाई मोदी सरकार हो चाहे भाजपा की कोई भी सरकार हो, ये तो बहुत ज्यादा मार्केट का व्याख्यान करती है कि मार्केट शुड डिसाइड एवरीथिंग, मार्केट इज सुप्रीम, या ये कैपिटलिस्ट भी जो लोग हैं अदानी जी और बाकी, ये भी बोलते हैं मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जो बोलेगा। तो मार्केट तो अभी बता रहे हैं कि आपके प्राइजेस तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड थे, आज भी वो नहीं आया उस प्राइस पे। तो अब सवाल ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी से मैं ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भैया आपको कैसे नहीं इसमें प्राइस रिगिंग दिख रही है? आज तक खुलासा हुआ 23 जनवरी को, आज है 15 जुलाई, 6 महीना होने को आ गया है, 7 महीना, भाई आज तक ये शेयर उस लेवल तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? और पहले कैसे चला गया था? इसका मतलब प्राइस रिगिंग हुई थी, कैसे चला गया था पहले? तो आपको क्यों नहीं दिखा इसमें, आपको क्यों नहीं कोई समस्या दिख रही है? एक तरफा शेयर्स भाग रहे हैं, 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ का शेयर ये वैल्यू हो गया मार्केट कैप पूरे अदानी ग्रुप का, और आपको उसमें कोई लूपहोल ही नहीं दिख रहा? ये कैसे? ये तो इन्होंने एक तरीका बता दिया है दूसरे भी कंपनीज के प्रमोटर्स को कि अपने शेयर प्राइजेस को किस तरीके से ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद में कैसे वो माल पब्लिक को चिपका देना है एफपीओ के नाम पे या कुछ और के नाम पे। वो तो धन्य हो हिंडनबर्ग का कि उनके कारण ये एफपीओ हुआ नहीं, मिनिमम मतलब जो लास्ट मोमेंट पे बोलते कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस आए थे जिन्होंने इनको सेव किया, ठीक है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला कि मैं इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती हूँ, मैं पैसे लौटा रहा हूँ, मैं अपना एफपीओ वापस ले रहा हूँ। अरे भाई रिटेल शेयर होल्डर्स ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था आपके एफपीओ में, 4% 5% भी मेरे ख्याल से उनका नहीं आया था एप्लीकेशन। तो आपका जो मकसद था कि आपके मेरे जैसे रिटेल शेयर होल्डर को माल चिपका देना, वो फुलफिल ही नहीं हुआ। इनको अपने जैसे दूसरे धन्ना सेठों से पैसे लेने पड़े, वो भी कोई शर्त पे उन्होंने पैसे लगाए होंगे, वो शर्त आपको मालूम है कि पता नहीं फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप हो सकता है आपने एफपीओ वापस ले लिया। नहीं उसमें राजीव जी, उसमें जो ज्यादा ज्यादा बड़ी खबर है कि शर्त पे नहीं लगाए, किसी के कहने पे लगाए, किसी ने फोन करके कहा कि इसमें लगा दो, ये शर्त नहीं थी, क्योंकि क्योंकि शर्त पे क्यों लगाएगा कोई कोई, ये कारोबारी लोग किसी के सगे होते हैं? अरे ये केवल सगे होते हैं जो ऊपर से कहा कि भाई ये लगाओ, तो उन्होंने कहा लगा दिया। और मैं एक और चीज बताऊं शेयर मार्केट की, मतलब अचंभे वाली चीज है, जनवरी से और आज तक जो शेयर मार्केट है वो जिस हिसाब से भागी है, तो कोई ये भी नहीं कह सकते हैं कि अडानी जी की भाई बस शेयर मार्केट गिरी हुई है तो इसलिए मेरा शेयर गिरा हुआ। खैर मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ के इसको खत्म करूंगा। मुझे हरदम एक बात का दुख होता है कि जैसे बुफोर्स है तो वो स्वीडन के जर्नलिस्ट उसको ब्रेक करते हैं, रफाल है तो मीडिया पोर्ट, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो उसको कर रहा है, उधर ब्लूमबर्ग कहिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहिए, रॉयटर्स के, ये सब विदेशी क्यों होते हैं? और कोई वो बड़े ऐसे संस्थान नहीं है कि बहुत बड़े बड़े संस्थान, छोटे छोटे लोगों ने वहां इंडिपेंडेंस है और वो अपना आराम से काम कर रहा है। मीडिया पोर्ट पिछले 5-6, 4-5 वर्षों से लगी हुई है पीछे इनके, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो कितने पैसे हैं लोगों के पास भाई, एनडीटीवी ने कितने लाख हजार करोड़ में हमने प्रणव राय साहब ने अपना शेयर बेच दिया, व्हाई नॉट हम लोग क्यों नहीं? मीडिया का हो गया पूरी तरीके से इंडिया में कॉर्पोरेटाइजेशन। आप देखेंगे बड़े बड़े लोग, अब आज तक ग्रुप हुआ 38% उसके अंदर में बिरला साहब का है, एनडीटीवी को खरीद ही लिया अदानी जी ने, मुकेश अंबानी जी के पास में आपको मालूम ही है कितने सारे चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल से लेके न्यूज चैनल तक। तो साहब आपको लगता है कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है ये किसी भी तरीके से अपने हितों को के ऊपर में जहां प्रहार हो उस तरीके की न्यूज को आने देंगे? आज देख लीजिए मैगजीन्स हो गई, न्यूज पेपर्स हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, सब तो ओन कर रहा है कॉरपोरेट, तो इंडिया के अंदर में क्या रह गया है? मतलब आप ये समझिए कि स्वतंत्र मीडिया जो है, जो हम बोला करते थे, वो स्वतंत्र मीडिया स्वतंत्र रह गया है क्या? हर जगह तो कॉर्पोरेट घुस गया है, तो आप कहाँ जाओगे? टाइम्स ग्रुप सबसे बड़ा है बेनेट एंड कोलमैन, बट वो भी कॉर्पोरेट टाइप में बिहेव करता है भाई, उनके लिए एडवर्टाइजिंग क्लियर उन्होंने बोल दिया कि वो सर्वोपरि है, एडिटोरियल तो हम खाली मतलब दो एडवर्टाइजमेंट के बीच में स्पेस भरने के लिए हम चलाते हैं, है ना? तो ये जब
पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट राइटर्स अधोगति पे चले जाए, हाशिया पे चले जाए, सैलरीज नहीं मिले, टैलेंटेड लोग छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में एंटर कर ले, तो कहां से बढ़िया जर्नलिज्म होगा? और दूसरी चीज ये कि क्या रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन अपने जर्नलिस्ट को? यदि आज केमन आइलैंड साइप्रस जाके मुझे 4 महीना बैठना है वहां से इंफॉर्मेशन निकालने, तो क्या वो खर्चा मेरा ऑर्गेनाइजेशन वहन करेगा? मेरा मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सहानुभूति बात कर रहा हूँ कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो क्या आप एक्सपेंस आपका ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगा? देखिए अच्छी स्टोरीज जो है और अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो है वो दो चीजें लेते हैं, एक है टाइम और दूसरा है रिसोर्सेस मनी। आप ना तो टाइम प्रोवाइड करते हैं अपने पत्रकारों को, आपको रोज ही एक नई स्टोरी चाहिए, तो कहां से पत्रकार रोज एक नई स्टोरी पैदा करके दे देगा? और दूसरा ना आप रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हो, तो जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, कंटेंट में इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। कॉन्टेंट में इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, कॉन्टेंट में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा। अभी आपके दर्शक जो है, अब आप चले जाइए, जैसे फॉर्चून इंडिया के लिए मैं काम करता हूं, मैं डिप्टी एडिटर हूं फॉर्चून इंडिया का, यदि आपको मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स देखने तो आप सिर्फ गूगल कीजिए राजीव रंजन सिंह फॉर्चून इंडिया, मेरे 150-200 आर्टिकल्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। आप देखेंगे कि मेरे मैं जो आर्टिकल फाइल कर रहा हूँ उसके डेट्स में का अंतर है, 8-9 दिन लग जाता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई अच्छी रिपोर्ट निकालनी है तो उस तरीके का रिसर्च करना है, उसका रिसर्च करके खुद इन्वेस्टिगेट करके तभी आदमी लिखेगा ना। पर चूंकि मैं डिप्टी एडिटर में कर पा रहा हूँ, नीचे के जो बेचारे पत्रकार है उनको तो रोज ही डंडा मार के उनसे काम लिया जाता है, वो कैसे करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, काफी कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, जो देश की सरकार, वॉशिंगटन पोस्ट का टैगलाइन है कि डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, तो यदि आप डार्कनेस मेंटेन करके रखना चाहो तो डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो जाएगा, और डार्कनेस कैसी रहेगी? आप मीडिया को खत्म कर दो। भाई देखिए, किसी भी देश के अंदर में मीडिया और अपोजिशन पार्टीज, ये दो ही तंत्र हैं जो सरकार को नियंत्रित करके रख सकते हैं। आप दोनों को ही खत्म करने पे लग गए हो, आमादा हो गए हो, तो कहां से आप मतलब सारी चीजें सामने आएंगी? आप देखिए, एक भी केस में इन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है? बालाकोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया इनसे तो इन्होंने बोला आप देशद्रोही हो, पुलवामा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप बोला गया आप देशद्रोही हो, अदानी के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं आप देशद्रोही हो, अदानी तो बड़े बड़े डैम बना रहा है, ये बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो आप देशद्रोही हो, आप बात नहीं करो। रफेल के बारे में पूछा गया तो फिर वही बात बोल रहे हैं आप देशद्रोही। अरे तो भाई हर चीज में मतलब फिर कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे क्या? हर चीज में आदमी देशद्रोही है क्या? यानी आपको हमने एक लेटर लिख के दे दिया वोट के द्वारा कि भाई आप जाओ 5 साल के लिए और अपने मन मानक जो करना करो, आपसे कोई सवाल कोई नहीं पूछेगा। संसद के अंदर में अपोजिशन पार्टी का एक लीडर खड़े होकर आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसकी पूरी की पूरी स्पीच को एक्सपंज कर दे रहे हो। महुआ मोहित्रा और संजय सिंह और राहुल गांधी, ये तीन लोग जो हैं, यही तीन लोग अदानी के केस में शुरू से लेकर अंत तक अभी तक बोलते आए हैं। उसमें से एक को तो आपने सदन के बाहर कर दिया, स्पीचेस बाहर कर दिए, और दूसरे जो दो लोग हैं अभी उनको कितना फ्रीडम मिलता, कितना उनको संसद में अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता, ये देखना पड़ेगा। जब तक सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव नहीं करेगी, तब तक सर कोई भी अच्छी रिपोर्ट आना, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आना, वेल रिसर्च रिपोर्ट आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी राजीव जी, मैं सर दर्शकों को याद दिला दूं, इसी भारत में इसी जगह ऐसे जर्नलिस्ट भी हुए हैं, बोफोर्स का केस चित्रा सुब्रमण्यम ने ब्रेक किया और 15 दिन के अंदर उनकी एडिटोरियल टीम का आदमी एनराम स्वीडन में बैठे हुए थे और वो वहां बैठ के उसको उस केस को ड्राइव कर रहे थे। रफाल में मुझे नहीं, मैं मेरी नॉलेज में हिंदुस्तान का कोई बड़ा जर्नलिस्ट ग्रुप या कोई बड़ा मीडिया हाउस फ्रांस में बैठ के उसको ड्राइव कर रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर कहीं जानकारी हो तो आप भी बताइएगा। थैंक यू सो मच राजीव जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कर जो भी लें, अडानी जी को हो सकता है सरकार भी क्लीन चिट दिलवा ले जाए वो, लेकिन ये प्रश्न इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ा एक इशू है और जिसको शायद आप जैसे लोग इसको जीवंत रखेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। एक ही चीज है, ये काम अब अपोजिशन पार्टीज का है, अपोजिशन पार्टीज जेपीसी की मांग को कितने स्ट्रॉन्गली पार्लियामेंट में रख पाती है, पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, मीडिया हाउसेस,
जो ये मेन मीडिया गोदी मीडिया बन गए, इनको इस चीज को साम, जैसे टेलीकॉम स्कैम के टाइम में, कोल स्कैम के टाइम में 2400 घंटे बोला गया जेपीसी 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 तब जाके हुआ कुछ, वैसे अभी मीडिया ये चीज को सामने रखे। अभी क्यों ये टेलीविजन चैनल्स के जितने भी एंकर्स हैं ये भूल गए, ये कोई बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे कि अदानी जी तो राष्ट्र निर्माण कर रहे। अरे तो भाई जो कोयले की खदान या जो टेलीकॉम ये लगा रहे वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे थे। तो ये अपोजिशन पार्टीज कितना स्ट्रांगली इस चीज को रेज करता है और मीडिया अपोजिशन पार्टीज को कितना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने वॉइस को रखने के लिए, यही दो चीज आगे इस मुद्दे को डिफाइन करेगा जी। थैंक यू सो मच राजीव जी।